तो हमारी मुलाकात हुई इसी ट्रैक में गुसाई जी के साथ, रूरल टेल्स वाले। तो इनके साथ थोड़ा ब्लॉग बनाते हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग हैं गगरिया बेस कैंप पे। ये जो टॉप आप देख रहे हैं, इस टॉप के ऊपर है हेमकुंड साहिब। बादल पूरे छाए हुए हैं, कल 22 दिन भर थी तो हम वैली ऑफ फ्लावर जा नहीं पाए थे। जो आप ये ग्लेशियर देख रहे हैं, ये वैली ऑफ फ्लावर का रास्ता है ये वाला, और ये पूरा चारों ओर का व्यू है। और ये है बेस कैंप गगरिया, जो बेस कैंप पे है आपका हेमकुंड साहिब का और वैली ऑफ फ्लावर दोनों का। तो फिलहाल आज हम फिर से प्लान कर रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर जाने का। अगर फॉरेस्ट वाले हमको जाने देते हैं तो हम वहाँ जाएंगे, वरना फिर हम हेमकुंड साहिब जाएंगे। तो हमको कोई ना डेस्टिनेशन एक तो कवर करनी है, या तो वैली ऑफ फ्लावर या फिर हेमकुंड साहिब। तो आप खच्चा से भी जा सकते हैं, यहाँ पर तो नेपाली भाई हैं, आप इन लोग के साथ भी उसमें बैठ के जा सकते हैं, या डोली में जा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। वो आपका वेट वाइज 1200 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक का पूरा किराया है, गोविंद घाट से लेके ऊपर हेमकुंड साहिब जाने का। ऐसा कुछ यहाँ पर चार्जेज है, वो आप जब यहाँ आओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि हर साल रेट चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू टूरिस्ट। दिस इज आदि, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो मैंने ऐसे आपको बताया, तो हम लोग हैं बेस कैंप में अभी गगरिया में। तो आज है प्लान वैली ऑफ फ्लावर जाने का। अगर आपको ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फैला दीजिएगा, क्योंकि यहाँ आने के लिए बहुत मेहनत लगती है और मेहनत के एवरेज में लाइक तो बनता है। तो आज हम जाएंगे या तो वैली ऑफ फ्लावर या हेमकुंड साहिब, अकॉर्डिंग टू मौसम हम लोग देख रहे हैं। अगर बारिश में हमको परमिशन मिल जाएगी, वो वहाँ पर है फॉरेस्ट ऑफिस का ऑफिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस है, तो वहाँ पर हमको कुछ चार्ज देके वैली ऑफ फ्लावर जाने के लिए मिलेगा। अगर वो जाने की परमिशन नहीं देते हैं तो हम चलेंगे फिर हेमकुंड साहिब, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए दिक्कत नहीं है, वहाँ जाने देते हैं। लेकिन वहाँ भी दिन के 12 बजे के बाद ही जानेंगे, और वैली ऑफ फ्लावर भी दिन के 12 बजे के बाद आपको परमिशन नहीं मिलेगी। तो अभी मॉर्निंग के करीब 6 बजे में, तो अभी हम देखते हैं कि हमको वहाँ से परमिशन मिलती है कि नहीं। तो यहाँ पर जाते हैं घोड़े हेमकुंड साहिब के लिए, वैली ऑफ फ्लावर के लिए कोई भी घोड़े नहीं जाते, हेमकुंड साहिब के लिए जाते हैं। तो ऐसे कुछ 600 रुपये चार्ज देता है ऊपर ऊपर छोड़ने का। तो सब लोग जा रहे हैं डर मर के बैठ के घोड़े के ऊपर। हमने काम करना है फूलों की घाटियाँ प्रवेश से पहले सुनिश्चित करना कि अपने साथ लाया हुआ प्लास्टिक प्रवेश द्वार पर दिखाया गया, ताकि वापस से प्रवेश द्वार पर निर्धारित जगह पर प्लास्टिक कचरा जमा किया जा सके। ये आपको करना ही करना है पहाड़ के पॉल्यूशन को बचाने के लिए। जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है पहाड़ का, वो बहुत दिक्कत है। तो देखिए वो जो पॉइंट है वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा है वैली ऑफ फ्लावर 4 किलोमीटर। और ये जो चढ़ाई चले गई साथ में, आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा पहले, क्योंकि मैं थोड़ा आगे निकल गया, दिमाग से थोड़ा हट गया, तो मैं दिखा देता हूँ। तो ये चेक पोस्ट होती है, इस चेक पोस्ट को आपको 10 बजे से पहले हेमकुंड साहिब के लिए जाना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो लिखा है कृपया चल के फूलों की छक्का बना रखें, फूलों की घाटी 4 किलोमीटर, ऊपर एक बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है, और ऐसी चाई में 6 किलोमीटर के ऊपर हेमकुंड गुरुद्वारा है। वो नीचे बेस है, बेस कैंप है गगरिया। तो वहाँ से लोग स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा, और वैली ऑफ फ्लावर के लिए जगह करते हैं, और हेमकुंड साहिब के लिए ऊपर 6 किलोमीटर। 4 किलोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन ये वैली ऑफ फ्लावर बहुत दूर है, क्योंकि 4 किलोमीटर इसका सिर्फ एंट्रेंस है। और बाकी वैली ऑफ फ्लावर की बातें करते हैं कुछ देर बाद, फॉरेस्ट ऑफिस में पहुंचते हैं, देखते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, हमें टिकट देते हैं कि नहीं देते हैं। अजीत बाबू को मैंने अपना बैग दिया हुआ है, अभी फ़िलहाल हमने एक बैग होटल पे छोड़ा, एक बैग इसमें सिर्फ बरसाती और छाता है, बाकी कुछ नहीं, पानी की बोतल रखी हुई छोटी सी। तो इसका मेरा कॉलोबेशन क्या है,
ऊपर के जाते थे ये लेके जाएगा, नीचे जाते थे मैं लेके आऊँगा बैग को। रास्ता देखिए इतना खूबसूरत है पहले ही, तो यहाँ पर आ गया फॉरेस्ट ऑफिस, कुछ देर बाद में आ जाएगा। तो बिल्कुल शांत वातावरण है, भीड़ भाड़ से बिल्कुल दूर, वैली ऑफ फ्लावर का ये ट्रैक। अभी देखते हैं हमें परमिशन मिलती है नहीं मिलती है जाने की। थोड़ा मौसम भी भाई ख़राब ही है, ऐसा भी नहीं है कि इतना अच्छा है कुछ खास है, लेकिन एज पर नेट बारिश थोड़ी हल्की होगी और एक बजे के बाद हैवी रेन का फॉरकास्ट है। अब गॉड नोज कि क्या होता है, क्योंकि तो ये सब चीज़ें इंसान के हाथ पे नहीं है। तो ये कुछ फेयर है, अगर आप जाओगे तो 150 रुपये देना पड़ेगा, अगर आप फॉरनर हो विदेश से आ रहे हो तो आपको 600 रुपये देना पड़ेगा, अगर आप कुछ ज़्यादा रुकना चाहते हो दोबारा दोबारा चले तो आपको 50 रुपये फिर एडिशनल देना पड़ेगा। कुछ कैमरे के रेट हैं, अगर आप कोई मूवी या शूटिंग करने आ रहे हैं तो आपको इंडियन के लिए 500 रुपये है और फॉरन के लिए 1500 रुपये है। डॉक्यूमेंट्री बनानी है तो उसका चार्ज 1,00,000 रुपये, और डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर डे 10,000 रुपये है, सिक्योरिटी अबव 10,000 रुपये, ऐसे 1,00,000 रुपये, 50,000 रुपये, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है फॉरेस्ट विभाग ने। आपको रेट बताया था 150 रुपये, हमको उत्तराखंड के नाम पे मिला है 50 रुपये का डिस्काउंट, तो हम लोग 100 रुपये में आ गए। ये गेट जो है इसमें लगा रहता ताला भाई, ठीक है, अगर आप सोचते हो कि कहीं दाएं बाएं से घुस जाओगे जैसे जिदाबू सोते थे सुबह सुबह 6-5 बजे निकलेंगे दाएं बाएं से घुस जाएंगे, मैंने कहा ये भैया पूरा बंद है, ये गेट है तो ताला लगाता है और मॉर्निंग में 7 बजे ये गेट खुलता है। तो 7 बज गए और हमारी यात्रा हो गई है यहाँ से स्टार्ट। सो नाउ आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस ट्रैक, क्योंकि बहुत पहले साल आया था उस वक्त ब्लॉगिंग नहीं करता था, आज ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है। सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है, ऊपर पीक में बादल हैं, उधर पूरी बर्फ़ है। तो अजीत बाबू चल रहे हैं एक साइड में बैग लटका के, उधर एक कंधे दर्द होगी फिर बोलेंगे कि दर्द होने लग गया कंधों में, और आई होप कि आज बारिश ना हो, बारिश होगी तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा, लेकिन यह है कि बारिश होने की उम्मीद थोड़ी फिलहाल कम है, क्योंकि आसमान हल्का हल्का खुला है, क्योंकि नीचे वो पूरा खुला हुआ है, ऊपर ऊपर में ये जहाँ जहाँ पे स्नो होती है वहाँ वहाँ पे बादल आते ही आते हैं। तो आप फूल देख सकते हैं, अभी से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे आपको फूल, तो ये मत सोचिएगा कि फूल वहीं जाके मिलेंगे, ये वैली ऑफ फ्लावर स्टार्ट हो गया समझ लो आप, तो यहीं से आपको डिफरेंट टाइप के फूल दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से हो गया स्टार्ट व्यू, आप देखिए ऊपर से आ रही है नदी खूबसूरत सी, ये पूरा आप देख रहे हैं ना ये ग्लेशियर है, एक्चुअली रास्ता यहाँ से व्यू करके यूँ जाता है, अभी ये ग्लेशियर पूरा फिसल के नीचे आया तो इसने पूरा तोड़ दिया रास्ता, जब ये ग्लेशियर पिघल जाएगा वापस तो ये रास्ता फिर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसे बना देगा। तो कल वो यहीं से मना कर रहे थे, बोले बारिश इतनी हो रही है अगर ये ग्लेशियर कहीं गिर गया तो आप अटक जाओगे, और ये ग्लेशियर इतना बड़ा है अगर ये नीचे चला गया तो पूरा नीचे बाढ़ वाला मौसम कर देगा, तो ये ब्लैक आइस टाइप की है तो इसमें थोड़ा चलना टफ रहेगा। आप देख सकते हैं ग्लेशियर में यहाँ पर दरार पड़ी हुई है, धीरे धीरे ग्लेशियर पिघलते हैं इसलिए गर्मी में के टाइम पर नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है। तो ये देखिए ग्लेशियर में हम लोग चल रहे हैं फिलहाल, इस ग्लेशियर के नीचे से नदी बह रही है, उनका यही कहना था कि अगर ग्लेशियर कहीं टूट जाएगा तो आप लोग नदी में गिर जाओगे, क्योंकि इसमें क्रैक्स आ गए हैं बीच बीच में, ये पूरे क्रैक्स आ गए हैं, तो अगर जैसे गवर्नमेंट बोलती है वैसा हमको फॉलो करना चाहिए, तो ये रास्ता आपका अभी बहुत टफ होने वाला है, जो बनाया गया हमें गिर गया था बस ये। तो ये है खूबसूरत रास्ता वैली ऑफ फ्लावर का, सांस फूल गई एकदम से क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी, और आज अजीत और मैं इस वैली को एक्सप्लोर करने वाले पहले लोग हैं, सबसे ऊपर हमारा नाम है 12 तारीख की डेट में विद मोबाइल नंबर। तो
ये रास्ता जा रहा है, आगे व्यू और ज़्यादा खूबसूरत होंगे, ब्लॉग पूरा देखना, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और वैली ऑफ फ्लावर के बारे में आपको बता दूँ, इसकी जो खोज हुई थी वो 1800 में हो गई थी। स्मिथ जी ने इसकी खोज की थी, उन्होंने बुक भी लिखी हुई है। वो बहुत सारे पहाड़ से हेमकुंड के पीछे से ऐसे निकलते हुए वापस उस वाले पहाड़ के ऊपर चढ़ के वो वापस हनुमान चट्टी उतरे थे, ऐसा किताब में कुछ व्याख्यान है। बाकी के लिए आप किताब पढ़ लेना उनकी। तो यह था ज्ञान। और 87 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई ये वैली है, जो काफ़ी खूबसूरत है। और बहुत सारे बॉटनी के शोधकर्ता साइंटिस्ट यहाँ आते हैं शोध करने के लिए। जब उन्होंने ये वैली देखी थी स्मिथ जी ने, तो उन्होंने जब उस वक्त कोहरा लगा था यहाँ पे, जब वो कोहरा साफ हुआ, जब उन्होंने ये वैली देखी तो वो इतने खूबसूरत थे, मतलब वैली, तब उन्होंने इसकी बुक लिखी और इसकी खोज हो गई। तो बहुत सारे लोग आए थे, इसमें एक नाम मार्गरेट लैगी का भी है, जो एक रशियन स्टूडेंट थी, वो शोध करने आई थी और उसकी यहाँ पर डेथ हो गई, तो उसकी ग्रेव भी है। तो हम लोग वहाँ तक जाने की पूरी कोशिश करेंगे अगर बारिश ना आए तो। नहीं, उतने नीचे से हम लोग आए ऊपर, और यहाँ से देखो ये है फ्लावर ऑफ वैली की नदी, पुष्पवती रिवर, कितने उफान पे है। अभी मौसम थोड़ा साफ हुआ है तो बड़ा अच्छा व्यू आएगा आगे जाके, ऐसा लग रहा है। बाकी देखते हैं, कैसा फील कर रहे हो यहाँ आके? बहुत ज़ोर से बोलना पड़ेगा, नदी की आवाज़ ज़्यादा तेज है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, फट तो नहीं रहा है? ठीक है फिर। तो वो वाला सामने वाला जो आप देख रहे हैं ना पीक, जहाँ झरना निकल रहा है, ये दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा अपने कैमरे से। ये तो ये हेमकुंड साहिब है, तो वहाँ का थोड़ा थोड़ा गुरुद्वारा हल्का का दिखाई दे रहा है, जो मकान टाइप का कोई दिखाई दे रहे हैं। तो ये हेमकुंड साहिब है, थोड़ा सा हम लोग रुके हुए हैं इस चढ़ाई को चढ़ने के बाद। वो नीचे आप देख रहे हैं, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था चढ़ाई चढ़ना, और फिलहाल हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। थोड़ा यहाँ पर पानी आ रहा था तो बोतल से पानी भरा और पानी पिया हमने यहाँ पर मस्त करके, थोड़ा राहत मिली है, थोड़ा बैठे हैं। अब यहाँ से रास्ता जो है, ये तो ऊपर है 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है, ये तो आपको चढ़नी ही पड़ेगी, उसके बाद आपको रास्ता सीधा सीधा मिल जाएगा, मैं हल्का डाउन मिल जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। आपको बोलता है कि रास्ता ईजी है, ईजी नहीं है, क्योंकि हर साल हिमालय का क्या होता है ना, जब लैंडस्लाइड होते हैं, सब पत्थर आते हैं, तो ये रास्ते हर बार चेंज आते हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो हमसे फीस लेता है ना, 100 रुपये 150 रुपये जो भी लेता है, उस पैसे से यही वाले रास्ते बनाए जाते हैं, PWDS रास्ते का निर्माण करती है। तो पहले वो रास्ता उधर से जाता है, नीचे नीचे जाता था, बाद में लैंड स्लाइड 2013 की वजह से रास्ता चेंज हो गया, फिर अभी इस बार फिर से लैंड स्लाइड हुई तो रास्ता नीचे था, वहाँ से फिर ये रास्ता यहाँ से उधर आगे जाता था, यहाँ से वैसे घुमा के वापस करना पड़ रहा। तो यहाँ से हमारी होगी चढ़ाई ख़त्म, यहाँ से अब स्टीप है, सामने आप देखो व्यू, वो पूरा वैली ऑफ फ्लावर है। क्योंकि तो लोग ऐसे यहाँ बैठ सकते हैं, अभी यहाँ पे एक येलो थ्रोटेड मार्टिन था, बहुत तेज़ दौड़ा है नीचे को, ये देखिए हल्का का झरना आ गया। अब देखिए सामने पूरी वैली दिखाई देने लगी है आंखों के सामने, यहाँ से पूरे पेड़ ख़त्म हो जाएंगे, जंगल पूरा वैली ऑफ फ्लावर का। अब वैली स्टार्ट हो जाएगी उस वाले मोड़ के बाद, यहाँ पर देखिए पानी पीते हैं, ये पानी अमृत के समान है, ये पानी अमृत ही, मतलब उसके सामने अचूक है। तो ये पानी हमको पीना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जूते उतारने की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर झरना आ रहा है बहुत तगड़ा, तो नहीं भी उतारेंगे तो कोई बात नहीं, गीले हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जूते उतारे हैं अपने,
और रिवर क्रॉस करते हुए, और रिवर का है व्यू ऐसा कुछ झकासेदार, बहुत खतरनाक वाला नदी। सब लोग अभी जूते बजाते हुए आ रहे हैं, मेन मकसद है जूते बजाने का। भाई लोग आए हैं कपड़ा से, ये बासुली से आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हो? मासी। हाँ, तो ये है बामन धौर पुल पर यात्री के करके चले, एक पुल बना हुआ है, आपने बहुत सारा यूट्यूब चैनल में देखा होगा। यहाँ पर झरना बहता है बहुत खूबसूरत, आज और ज़्यादा प्रेजेंट है। तो ये वो पुल है, ये क्रॉस करके वो जो पत्थर है, यहाँ तक वैली ऑफ फ्लावर 4 किलोमीटर है पूरी, यहाँ तक पूरी 4 किलोमीटर है वैली ऑफ फ्लावर। तो यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर पूरी स्टार्ट आती है, वो लास्ट तक आप जहाँ तक जा सकते हो। थोड़ा मौसम है बहुत ख़राब, आप देख रहे हो। तो यहाँ से ये झरना पार क्रॉस करने के बाद हम लोग आ गए हैं वैली ऑफ फ्लावर में। ये वैली ऑफ फ्लावर का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आपको फूल दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ये क्या खूबसूरत फूल है लगे हुए, और ये वैली है, काफ़ी सुंदर नज़ारा। उधर है ग्लेशियर, उधर है पुष्पवति रिवर का जो है उद्गम स्थल उधर, और ऐसा कुछ नज़ारा है। और धीरे धीरे मौसम ने हमारा साथ छोड़ दिया है, अभी तक धूप आई थी हल्की हल्की, मैं बारिश भी नहीं थी, लेकिन अब बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो हम लोग को जल्दी जल्दी कवर करके यहाँ जाना पड़ेगा। कुछ फूल मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा आगे तक हम लोग जाएंगे इसमें वॉक करते हुए, कितना खूबसूरत रास्ता है ये आपको दिखाएंगे। तो यहाँ चिड़ियाओं की जो मधुर आवाज़ आ रही है वो बहुत कर्णप्रिय है, मतलब इतनी शांति है। अभी यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट लोग आए नहीं हैं, हमसे 5 लोग हैं, 3 लोग हमको यहीं मिले वैली ऑफ फ्लावर में, लेकिन वो हमारे टाउन के ही हैं। तो आप वैली ऑफ फ्लावर में अगर आप चाहोगे कि यहाँ पर कि खूब सारे फूल के लिए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि सीज़न वाइज इसका 1 जुलाई से सीज़न स्टार्ट होता है और 30 अगस्त तक रहता है। तो सीज़न वाइज यहाँ पे फूल खिलते हैं। अभी बारिश होगी तो जो फूल पुराना फूल होगा वो गल जाएगा, जैसे ही यहाँ बर्फ़ गलती है ना उसके बाद फूल खिलना स्टार्ट होता है। तो काफ़ी सुंदर सुंदर फूल खिले, ये बहुत छोटे हैं। एक फूल बहुत बड़ा खिलता है, वो आपके अगस्त के टाइम में खिलेगा, तो वो येलो कलर का होता है, तो वो काफ़ी अच्छा खिलता है। तो उसमें थोड़ा दूर से भी देखने लगता है कि यहाँ फूल खिले हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर ऐसे देखोगे ना तो यहाँ पर आपको अभी पता चल रहा होगा कि हाँ फूल खिले हैं। बिल्कुल पास से कैमरे के अगर मैं लेके जाऊँ अपने को, तो ये देखिए। तो इसी के साथ हम लोग पहुँच गए वैली ऑफ फ्लावर पे। तो यहाँ से खूबसूरत वैली का मैं आपको दृश्य दिखाते रहूँगा, आगे फूल आपको दिखाऊँगा, बहुत सारे सिनेटिक व्यू भी आएंगे, बहुत सारे इंस्टाग्राम में रील भी आएंगी, तो वो रील आप देखते रहिएगा साथ साथ में, काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी मज़ा आएगा। तो यहाँ से हम लोग को एक मार्केट लेगी ग्रिप पे जाना है, वहाँ पे एक वो एक गर्ल थी आपके रशिया की, उसका यहाँ पाँव फिसल के डेथ हो गई थी। तो हम लोग उस ग्रिप पे जा रहे हैं, साथ में हमारा सेकंड मकसद है जो पुष्पवति नदी है, फ्लावर रिवर। तो इसका हमको करना है, आपके उद्गम स्थान को भी एक्सप्लोर करना है। तो हम लोग मॉर्निंग में से जल्दी आ गए थे। तो जब भी आपको ऐसे कोई प्लान करना हो तो इसके लिए वैली अगर आपको घूमनी है तो सुबह जल्दी आना है, मॉर्निंग में 7 बजे आपको एंट्री करनी है, तब आप वैली ऑफ फ्लावर घूम पाओगे। वो 4 किलोमीटर लिखा रहता है, 4 किलोमीटर सिर्फ उसकी एंट्री पॉइंट है, मैं आपको पहले ही बता रहा था और अभी बता रहा हूँ। इसके बाद आगे आप 8-8 किलोमीटर तक आगे जा सकते हो, और पूरी वैली में आपको फ्लावर ही फ्लावर नज़र आएंगे इस वैली में। यहाँ से वे टू टिपरा खरक 3 किलोमीटर है, वे टू लेगी ग्रेव 700 मीटर है, वो नीचे है। तो हम पहले टिपरा खरक जाते हैं क्योंकि मौसम ख़राब है, उसके बाद लेगी की गेप में जाएंगे।
तो ट्रैक नहीं है आसान, अगर सिर्फ वहीं तक आना है तो आसान है, और अगर और आगे जाना है तो यहाँ पे देखिए कभी जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो यहाँ पे ऊपर वाला ग्लेशियर पिघलता है तो पानी बहुत ज़्यादा आता है, तो फिर ये क्रॉस करना बहुत टफ्टास हो जाता है। देखो ना आप यार, नदी इतनी तेज़ बह रही है यहाँ पर, तो वहाँ पर देखो अभी ग्लेशियर पिघल ही रहा है, तो आपको देखा है ना ये ग्लेशियर पिघल रहा है, तो यहाँ पर भी एक छोटा सा टीन का पुल बनाया हुआ है, तो इस टीन के पुल को हमको क्रॉस करना है और फिर सामने ऐसे चढ़ना है। पहले रास्ता कहीं और से होगा, अभी रास्ता ऐसा नहीं बनाया हुआ है। ये है देखिए शानदार नज़ारा, तक की सबसे बड़ी रिवर क्रॉसिंग आ गई है यहाँ पे। तो इसे कहाँ से क्रॉस करना है ये देखते हैं, या तो इसे ऊपर से क्रॉस करेंगे या तो इसे नीचे से क्रॉस करेंगे। ये नदी है काफ़ी चौड़ी, यहाँ पे हम स्नान भी कर सकते थे अगर चाहते तो, लेकिन थोड़ा मौसम ठंडा है यहाँ पे, वरना दिल खुश जाएगा आपका। तो यहाँ से हम इसे पार करेंगे नदी को, ये रास्ता हमको लग जाएगा सबसे कहाँ से पार किया जाए। बाबू ने दिमाग लगाया कहा भैया यहाँ तो जूते उतारने पड़ेंगे, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, बगैर जूते उतारे ये नदी पार नहीं हो पाएगी। तो भैया पहाड़ों में नदी कैसे क्रॉस करते हैं ये देखने को मिल जाएगा अभी। तो जैसे ही हम लोग वो रिवर क्रॉस किया और एकदम से इधर आए, तो इधर थोड़ा जंगल थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो यहाँ पे शायद कुछ हिमालयन शिप वगैरह थी, वो एकदम हमको देख के मतलब भाग गए, तो झाड़ी में तो कहाँ छुप गया ना, मैं आपको दिखाता। तो वहाँ से लोग आगे आते नहीं हैं, हम लोग आए हैं बड़ी हिम्मत करके, हमने कहा जब एक्सप्लोर करने आए तो पूरा करके आएंगे। यहाँ और ज़्यादा खूबसूरत है ये वैली, यहाँ थोड़े फूल थोड़े अलग अलग कलर के और सारा खिले हुए हैं, तो अगर आप देखोगे तो मतलब जो कुछ पेड़ ऐसे हैं उनके पत्ते भी फूलों की तरह हैं ऐसा। देखो कितना प्यारा नज़ारा है, वो सामने हिमालय रेंज पूरी दिखाई दे रही है, देखो पूरा ऊपर तक वो। हम लोग बहुत पीछे से आते हुए हैं और करीब हमने वैली में 7 किलोमीटर एक्सप्लोर कर लिया, हमने 4 किलोमीटर आए थे, 7 ये हो गए, 11 किलोमीटर हमको आते हुए हो गए। हाँ, इसी के साथ वैली ऑफ फ्लावर पूरी ख़त्म हो गई है, अब हमारी फट भी रही है आगे आगे जाने में। भाई अजीत बाबू को आगे पहुँचा रखा है बॉडी गार्ड के तौर पे, दो भाई पीछे आ रहे हैं। तो अभी यहाँ से जंगल स्टार्ट हो गया, ये पेड़ कौन से हैं ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही पेड़ पयों के होते हैं। यहाँ से वैरायटी ऑफ ट्री चेंज हो गया, देखो यहाँ पूरा मोरपंख का जंगल है, इस हिस्से में एकदम से घना है देखो ये। तो ये सामने आ गई, देखो ये नदी है, ग्लेशियर है, ये बोलते हैं पुरुषोत्तम नदी का उद्गम स्थल है पूरा का पूरा। तो यहाँ पर आके ये रास्ता पूरा हो जाता है बंद, चारों ओर का नज़ारा इतना खूबसूरत है, सामने वाली वैली का जो दृश्य है ना भाई वो देखने को बनता है। और यहाँ तक अगर आप वैली ऑफ फ्लावर आए हो, यहाँ तक नहीं आए तो आपको आके वैली ऑफ फ्लावर आने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये व्यू आपको कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा ज़बरदस्त व्यू, वाह मज़ा आ गया। थोड़ा हम लोग आगे जा रहे हैं नदी किनारे तक, वहाँ फोटो वोटो खींचते हैं, तब आएगा मज़ा।
तो यह है जॉन मार्गरेट लैगी, जिनकी मतलब उन्होंने अपनी मतलब जो यहाँ उनकी डेथ होगी तो उनकी वाइफ उनकी मतलब बहन ने सिस्टर ने उनकी ग्रेव यहाँ बनाई थी। वो 1939 में वो यहाँ वैली ऑफ फ्लावर पे उनकी डेथ हुई थी। तो ये लिखा है, मेरी दृष्टि हिमालय के उन शिखरों पर जाएगी जहाँ से मुझे शक्ति आई है, ऐसा वो कुछ बोल के गई होंगी। आई विल लिफ्ट अप माइंड्स आइज अन टू द हिल्स फ्रॉम व्हेंस कमेथ माई हेल्प। चलो ये फोटो खींचेंगे, इसी को बाद में क्यूरिटी बना लेंगे भाई कभी है। तो हमारी मुलाकात थी इसी ट्रैक में गुसाई जी के साथ, रूरल टेल्स वाले। तो इनके साथ थोड़ा ब्लॉग बनाते हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं ये, और उनके वीडियो अगर आप देखोगे तो इनके वीडियो आप देखोगे तो मतलब एक ट्रू बेस्ड स्टोरी पे मतलब बनते हैं। हम लोग तो मतलब तो फर्जी टाइप के बनाते थोड़े बहुत तो, लेकिन जो गुसाई जी को देखोगे आप तो उनका ब्लॉग आप देखोगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तो ये था ब्लॉग वैली ऑफ फ्लावर का। वैली ऑफ फ्लावर मतलब जो जानी जाती है, बहुत फेमस उत्तराखंड में। तो आप जरूर आएगा, कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, तब तक ले जय देवभूमि, जय।